मशरूम काट लिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोज और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरोज झारखंडी ब्लॉक में। तो फ्रेंड, अभी हम हैं अपने जो कि पुराना घर है, पुराना घर में आए हैं और पुराना घर में हम करते हैं मशरूम का खेती। जो कि मशरूम का खेती हम बेचते नहीं हैं, मशरूम को हम बस अपने घर में खाने के लिए बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं और समय समय पर जो होता है सब्जी बनाया जाता है उसका। तो देखते हैं, मेरे पापा जी लगाए हैं तो कितना बड़ा बड़ा हुआ है, आज हम उसको काटने के लिए आए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं और खोलते हैं, देखते हैं अपने घर को। देख पा रहा है कि पुराना घर है और पुराना दरवाजा लकड़ी का होता है, थोड़ा सड़ गया है। हमारा सब कुछ यही घर में हुआ है, अपना घर चेंज किए हैं, फिर भी हम अभी इस घर का यूज करते हैं धान चावल और आलू रखने के लिए। बस मशरूम का खेती जो कि कपिला घर जो होता है ठंडा होता है, तो मशरूम का खेती काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड। तो अभी हम देखते हैं मशरूम का खेती करते हैं, बनाते हैं। तो ये रहा हमारा मशरूम का खेती, मशरूम की सरकार से निकल गया है। काटने के लिए औजार होता है, उससे काटा जाता है। बना हुआ मशरूम खाने में काफी अच्छा लगता है, तो अच्छा था ना, बढ़िया लगता है। ताजा ताजा, हम कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं अपना अपना खाने के लिए जो है। मेरे पापा जी करते हैं, अधिकतर चीज जो है खरीदते नहीं है, मतलब तो घर से ही उगा लेते हैं। खराब हो गया क्योंकि हम आए नहीं पाए, कारण से बिजी हो गए थे, खराब हो गए। काट नहीं पाए इसीलिए मेरे लिए हमने मशरूम काट लिया है। तो हमने मशरूम काट लिया, ब्लेड को भी रख देंगे ताकि अगला बार जब आएंगे दो दिन बाद मशरूम ले जाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बिजी हो गए थे घर में किसी काम को लेकर, तो नहीं आ पाए थे। फ्रेंड, होता क्या था ऐसे घर में, होता क्या है देखें किस प्रकार से जो है ये लंबे लंबे लकड़ी के सहारे लाके हैं, एक मेन लकड़ी जिसको होता है जिसको पायर बोलते हैं, इसमें लाके इसको खपाया जाता है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है बांस बांस दे दिया जाता है, तो बांस के सहारे जो है एक जंगल का जो जड़ी होता है, जड़ी से इसको बांधा जाता है, इसको लोग लौत बोलते हैं। इसको बांधने के बाद
उसके ऊपर खपरा जो है खपरा को रख दिया जाता है, क्योंकि खपरा ऐसा होता है कि उसमें धूप और बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण ऐसे घर में ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कहा जाए तो एसी का मज़ा इस घर में होता है और इतना ठंडा रहता है गर्मी के दिन में कि आपको बिना पंखा चलाए आराम से सो सकते हैं। वाकई में अच्छा होता है और ये घर मिट्टी का बना होता है, जिस कारण थोड़ा ठंड होता है और ठंड के कारण अच्छा लगता है रहने में। तो साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो घर होता है, घर में जगह जगह पे इस तरह का शेल्फ बना होता है जो कि इसको दीर्घा बोलते हैं झारखंडी भाषा में, इस तरह का दीर्घा बना होता है जो कि दीर्घा में सामान रखा जाता है, इस प्रकार से सामान होता है। साथ ही साथ इधर भी एक दीर्घा है, इधर एक चूल्हा रखा हुआ है और ये चूल्हा ऐसा है कि धान का जो भूसा होता है भूसा से इस चूल्हा को जला जाता है। साथ ही देख पा रहा हूँ कि इधर भी वही दीर्घा है, तो फ्रेंड इस प्रकार से। और साथ ही यहाँ पे एक निकाला हुआ देख रहे होंगे पटरा, इसमें जो होता है लैम्प यहाँ पे रख दिया जाता है, जो कि लाइट कटने से इस लैम्प से पूरा घर दिखेगा, तो इस प्रकार से होता है ये घर। साथ ही देख पा रहे हैं कि दरवाज़ा ऐसा होता है जो कि छोटा दरवाज़ा है और इसमें सर ठक जाता है, जो है माथा होता है माथा सड़ जाता है। और ये किचन होता है इनका, किचन इतना बड़ा होता है हमारा, बहुत बड़ा किचन होता है। इसे घर जो है आज इसी का सोचो कि इस तरह का ही डिज़ाइन अभी बन रहा है, लेकिन पक्का घर बन रहा है। हम घर घुसेंगे, जैसे ही घुसने के साथ ये हॉल होता है, हॉल के बाद जस्ट बगल में ये किचन जो कि किचन हो गया, साथ ही साथ उधर एक रूम और उसके बाद फिर यहाँ पे एक रूम होता है। और इसके जाने के बाद हम इस साइड की ओर अंदर में एक रूम है। इस प्रकार से घर था हमारा नीचे वाला घर, तो अभी है, अभी हम इसको यूज करते हैं धान चावल रखने में। एक बार हम किधर हम आलू जो है आलू रख दिए हैं, साथ ही साथ इधर सामान है नहीं, और ऊपर में जो है कि कोठा होता है, इसमें मिट्टी और बांस और बड़ा बड़ा लकड़ी से बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे जो है धान चावल रखा जाता है फ्रेंड। तो इस प्रकार से होता है घर। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग को, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।